देखिए पहुंच गए हैं मेन गेट पे, श्री श्याम दरबार का मेन गेट है, तोरण द्वार जिसे कहते हैं। वेलकम टू नील क्रिएशन गाइस, क्या हाल है आपके? और वीडियो को देख के आपको पता चल ही रहा होगा कि आज का व्लॉग क्या है, तो गाइस वीडियो को पूरे देखें और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए सब जा रहे हैं बस की ओर, हमारी बस खड़ी है आगे, निकल रहे हैं धीरे धीरे, सब पहुंच गए हैं बस के पास। ये बस खड़ी है हमारी, देखते हैं कौन कौन बैठा है अभी इसमें। चल रहे हैं सभी। हेलो गाइस, ये आदित्य हैं। आज अपन जाने वाले किधर? और देखिए बस फुल भर गई है, ये देखो सवारी पहले ही आ चुकी है इसमें। सभी जा रहे हैं खाटू श्याम के। सभी हाय करो। सभी बहुत ही एक्साइटेड हो रहे हैं खाटू श्याम जाने के लिए, बहुत ज्यादा। और ये देखिए अपना अपना बाड़ा करने अपने अपनी सीट पर बैठे अलग अलग और अपने अपने बच्चों को अपने अपने पास रखे भाई। तो भाई चल दिए हैं, बस हो गई स्टार्ट। खाटू श्याम बाबा की जय। बोलो श्याम प्यारे की जय। और अभी मजे से जा रहे हैं। बोल लखदातार की जय। और अभी मजा आने वाला है बहुत, आगे से भी एक बंदे और ले लेंगे हम। अभी हमारी फैमिली तो हो गई है, बाकी जो बच रहे हैं वो चले गए हैं। आज हम जा रहे हैं खाटू श्याम। अच्छा, और हम करने वाले बहुत सारी मस्ती। पूरे बस में वही और मैं मार देता हूँ थारा भाई वाला डायलॉग। आज हम इतनी मस्ती कर देंगे, इतनी मस्ती कर देंगे, किसी ने सोची ना होगी। सब मस्ती में मस्त है अपने, एसी वगैरह सेट कर रहे हैं सब। और ये टोपी मास्टर, हाँ भाई टोपी मास्टर, सभी जो है सब अपनी मस्ती में मस्त जा रहे हैं। बैठा विंडो के पास दिखाने के लिए, आपको सीन भी दिखाना जरूरी है। विंडो के पास ही बैठा गाइस, ठंड लग रही है, हवा आ रही है, एसी की लगा लेता हूं मैं चश्मा, लगा लिया मैंने चश्मा। हां अब थोड़ा कूलिंग नजर आ रहा है, थोड़ा अच्छा भी लग रहा है। अब हम लोग लगा लिए चश्मा, ये भी हां, वो बेचारा भूल गया चश्मा अपना घर आएगा, कोई आगे दिलवा देंगे इसको चश्मा। गाइस पहुंच गए हैं कटीघाटी अलवर। अब ये अलवर का आउटर है और देखिए फोटोग्राफी चल रही है यहाँ पे। देखिए देखिए अलवर में ऐसे पहाड़ आपको बहुत देखने को मिलेंगे। आगे सरिस्का आएगा तो सरिस्का में बहुत सारे पहाड़ हैं इस तरह के, तो जो आपको देखने मिलेंगे। तो भाई सॉन्ग चल चुके हैं, तो भाई सॉन्ग चल चुके हैं बाबा श्याम के, और पीछे बच्चे जो है फोटो खिंचवाने के लिए देखिए ऊपर तक चढ़े पड़े। सभी देखिए पोज दे रहे हैं फोटो के लिए, सभी पोज दे रहे हैं, भाई फोटो खींच रहे हैं, सभी इसको पोज देने में लगे हुए हैं। हमारी फोटो है, हमारी फोटो है, फुल मस्ती जो है चल रही है बस में पूरी, पीछे मस्ती तो पीछे ही हो रही है। आगे तो हम चुपचाप बैठे हैं, आगे तो मैं बस दिखा रहा हूँ आपको, फुल मस्ती तो पीछे ही हो रही है। ऊपर वहाँ तो है ना दस और बैठे पड़े, मस्ती तो पीछे ही हो रही है, कुछ देर में पीछे जाऊंगा तब आपको दिखाऊंगा। गाइस आ गए हैं सिली सेट के पास, ये रास्ता जो है सिली सेट को जाता है इधर से, और हम जा रहे हैं सीधा सरिस्का की साइड में, सरिस्का आगे है और हमारा रास्ता वहीं से ही है, तो इसलिए हम सीधा जा रहे हैं। मजा आ रहा है, बंद करवा दे, मजा नहीं आ रहा, मजा आ रहा भाई इसको। अब भाभी भाभी से मिलवाते हैं। भाभी कहाँ जा रहे हैं हम? खाटू श्याम। अच्छा तो कैसा लग रहा है खाटू श्याम जाके? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है, कितना बढ़िया। अच्छा खाने का क्या क्या सिस्टम है अपने पास? कुछ नहीं है, फिर क्या खाएंगे वहाँ पे? भूखा रहेंगे। अच्छा और चलते हैं पीछे, राहुल भाई से पूछते हैं, राहुल भाई कैसा फील हो रहा है? बहुत मस्त, बड़े भाई से पूछते हैं। बच्चे पार्टी इधर एंजॉय कर रही है, ये देखिए बर्थडे पार्टी बहुत मजा कर रही है, रास्ते में जो मजा आ रहा है बहुत डांस करते हुए जा रहे हैं। और ये पंकज भाई, पंकज भाई से पूछते हैं कैसा लग रहा है? मजे आ रहे हैं, मजे मजे आ रहे हैं भाई, सबको मजे आ रहे हैं।
तैयारी से बताएगा क्या है, बताइए पूरा बता। 125 किलोमीटर का रास्ता है और चार घंटे पहुँचेंगे। अच्छा और कुछ नहीं। रणवीर क्या कह रहा है, क्या बेटा क्या पहुंच गया नटनी के बारा, रास्ते में पड़ता है। बट आज हम नटनी के बारा नहीं जा रहे, प्रीवियस व्लॉग में मैंने बताया। रणवीर हाय, ये देखिए हाय कर रहा है। देखिए मैं आ गया हूँ पीछे, तो अब आ गया हूँ मैं पीछे आगे से, आगे थोड़ा क्या मजा नहीं आ रहा था, अकेला से बैठा था मैं, अब आ गया मैं सबके साथ। अब सूरज जी मजा दिलवाएंगे। हाँ सूरज जी बता, अभी एंटरटेन करेंगे, बता कुछ भी। ले भाई शर्मा आ गया, ये तो सूरज शर्मा आ गया, अभी राज बताएगा। मेरे नजर लग जाए, मेरे नजर लग जाए, मैं बता तो नहीं। अच्छा बात, भाई की नजर लग जाती है भाई। इसलिए नजर ना लगे। तो भाभी आप लगाया नहीं लगा, काजल नहीं लगा, फिर नजर लगी तो और लग जान भाई, कोई दिक्कत नहीं, लग जान, कोई दिक्कत ना लग जान। और सूरज रमबीरा सर्दी में भी गर्मी मिस की, सही बताओ। अब आ गए हैं गाइस मेन सीरीज का, मैं यहाँ से होता है मेन सीरीज का स्टार्ट, मेन सीरीज का है और सीरीज का टाइगर रिजर्व में हम एंटर हो चुके हैं। आज पहली बार मैं व्लॉगिंग कर रहा हूँ। बुआ जी कैसे लग रहे हैं? अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। और मस्त सॉन्ग चल रहा है, चुन्नी में परफ्यूम लगावे, चुन्नी में। देखिए गाइस मजा आ रहा है, फुल एंजॉय कर रहे हैं गाने का। गाइस आगे से मन नहीं लग रहा है, वहाँ पीछे अकेला रह गया, आगे मैं पीछे आ गया, अब वो बार बार पीछे ही देख रहा है, पूछ रहा है ब्लॉक कर रहे हो। तोड़ गिरे तोड़ गियो दिल मारो, मनीष तारो। देखिए गाइस बहुत मजा आ रहा है, सभी साथ में एंजॉय कर रहे हैं और फैमिली के साथ जाते हैं तो ज्यादा मजा आता है। अकेले जाओगे फैमिली के साथ जाओ तो ज्यादा अच्छा लगता है। तो देखिए भाभी कितनी खुश रख दी है, हंस के देखा भाभी एक बार, और देख लीजिए स्माइल, खुशी से पता चल रहा हूँ कितना मजा आ रहा है। देखिए परी, और ये परी है हमारी बेटी दीपक। दीपक कहाँ जा रहे बेटा, अपन खाटू श्याम के, मजा आ रहा है। हाँ भाई मजा आ रहा है। गाइस आ गए थाना गाजी, रास्ते में एक टाउन पड़ता है कस्बा, तो अभी हम वहाँ आ गए। ये मार्केट है थाना गाजी का और इंतजार है विराट नगर का, क्योंकि यहाँ फेमस कुल्फी की दुकान है, तो सभी कह रहे हैं कुल्फी खाएंगे, कुल्फी का इंतजार है सभी को बेसब्री से। मैं तो चार खाऊंगा भाई साहब। ये देखिए सूरज गरम में चार कुल्फी खाऊंगा, चार कुल्फी खाऊंगा, और फिर हमें कौन दिलाएगा? ठीक है भाई, सूरज सबको कुल्फी खिलाएगा ना, दो लेंगे हम तो। देखिए गाइस भाई की वीडियो कॉल आई है और भाई पूछ रहा है कहाँ पहुँच गए, मस्ती कर रहे हैं आप। देखो ब्लॉगर चाचू, अब जान भी थका हार गया, आ गई है मेरे पास, बहुत नाच रही थी जब से। गाइस पहुंच गए विराट नगर और अब हम नीचे जा रहे हैं उतर के कुल्फी खाने। देखिए गाइस एक विराट नगर है, विराट नगर का मार्केट है ये, अब हम कुल्फी खाने जा रहे हैं। यहाँ की एक फेमस कुल्फी वाला जगदम्बा के नाम से, उसकी ज़्यादा फेमस होती है, हर बार मैं वहीं पर कुल्फी खाता हूँ और आज भी मैं उसी के पास खाऊँगा। आप भी आओ कभी अगर मौका लगे तो, विराट नगर जरूर रुके कुल्फी खाने के लिए, और कुल्फी यहाँ से ही खाइए जगदम्बा वाले के साथ, क्या इनकी बहुत अच्छी कुल्फी है, मैंने कई बार खाई हुई है। देखिए गाइस कुल्फी आ चुकी है और अब क्या ले रहे हैं। सूरज कुल्फी टेस्टी है, मज़ा आ रहा है, मज़ा आ रहा है, मज़ा आ रहा भाई, कुल्फी खाने में बहुत मज़ा आ रहा है। विराट नगर कुल्फी है ही इतनी में फेमस कि सबको खाते ही मज़ा आ जाता है। जी जी गाइस सब कुल्फी खा रहे हैं, अभी कुल्फी खाने में सब मस्त है।
कुल्फी है इतनी टेस्टी तो सभी खा रहे हैं। हाँ भाई मजा आ रहा है कुल्फी खाने में? बहुत बढ़िया, बहुत मजा आ रहा है, शानदार, सभी को मजा। जानवी से पूछते हैं, हाँ जानवी कैसा लग रहा कुल्फी है? अच्छी है। अच्छी है, कितनी अच्छी है? बहुत अच्छी। और चाहिए? आदित्य से पूछते हैं, ये तो खा भी गया, ये तो बहुत फास्ट है कुल्फी खाने में। यार आदित्य आप तो जल्दी खा गए, दो एक साथ खा गए। अच्छा और पूछते हैं, आगे रिव्यू लेते हैं। अब अभी कुल्फी खाने में मजा आ रहा है? मैंने कुल्फी खाई नहीं अभी। ओ लो भाई कुल्फी नहीं खाई अभी? नहीं खाई। रणवीर कुल्फी खा रहा है बेटा? अच्छी है, अच्छी है, टेस्ट आ रहा है, अच्छी है, कितनी अच्छी है? और खाओगे? और खाओगे? और खा रहे सब। तो गाइस खा लिए सब ने आइसक्रीम और फोटोग्राफी हो गई है और अब हम चल रहे हैं वापस। और दूसरी भी ले ली, कितनी खाओगे आप? मतलब नहीं, कोई कुछ भी करो, मस्ती करो, ये बस ट्रेन देखेगा, खुद ही चला लेता है ये हम की ट्रेन। क्या रहा है ये बेटा, क्या रहा? तो गाइस अब हम रुके हैं रास्ते में चाय पीने के लिए और हम यहाँ चाय पियेंगे अभी। देखिए राणा साहब आए बहुत देर में और ये बहुत परेशान है, जब से बेचारे अकेले बैठे हैं। तो गाइस रुके हुए हैं चाय को पीने के लिए और चाय तो खैर पी नहीं रहे हैं पर कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं। देखिए बेटा पी जाओ ना, इसको पी जाओ, शाबाश। ये गाइस कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीने के बाद फिर चल दिए हैं, फिर से टूर कंटिन्यू हो गई है। और अभी क्या सेटअप चेंज हो गया है, भाभी आगे चली गई है और अब सर हम पीछे आ गए हैं, सब अब फुल मस्ती होगी, फुल मजा आएगा, खतरनाक। और प्लान चल रहा है लूडो का, डाउनलोड हो रहा है अभी, लूडो डाउनलोड हो रहा है और अब हम लूडो खेलेंगे। लूडो में डाउनलोडिंग चल रही है अभी, नेटवर्क कम आ रहे तो अब तक हो जाना चाहिए, स्लो आ रहा था। गाइस पहुंच गए श्याम नगरी में, श्याम नगरी चल रही है, देखिए किस तरह सब सुस्त हो गए, सब सफर इतना लंबा हो गया, लंबा सफर है, सब सुस्त पड़े। पंकज भाई बताएं, 5 घंटे से लगातार बस में बैठे हुए हैं, हालत बहुत ज्यादा डाउन हो गई है। अभी जाके हम पहुंचे हैं, चेहरों पर रौनक आ गई है और अभी पहुंचने वाले हैं, इसलिए सब खुश हो रहे हैं यार, पहुंचने वाले हैं। ये देखिए इसकी हालत खराब है बेचारा। गाइस पहुंच गए हैं खाटू धाम और अभी हम हमारी बस से उतरे हैं, अब यहाँ से चलेंगे हम पैदल। तो देखिए आदित्य आया है, क्या कह रहा है? और बिना चप्पलों के चलेंगे। देखिए पैदल चल रहे हैं बिना चप्पलों के, बहुत धूप पड़ रही है यहाँ पे और गर्मी लग रही है। अभी पता नहीं यहाँ से कितनी दूर है क्योंकि हम पहली बार जा रहे हैं। 3 किलोमीटर है जैसा कि आदित्य बता रहे हैं, 3 किलोमीटर है, देखते हैं आगे कितना रहता है। मैं तो पहली बार ही जा रहा हूँ, सभी पहली बार जा रहे हैं, कुछ हैं जो पहले आए हैं। वो देखिए पीछे हमारे लोग आ रहे हैं, फैमिली वाले। क्या है वो देखिए पहुंच गए हैं मेन गेट पे, श्री श्याम दरबार का मेन गेट है, तोरण द्वार जिसे कहते हैं। बहुत खुशी होती है इस गेट को देखकर। गाइस बहुत जोर से पैर जल रहे हैं और तो जान भी मेरी गोदी में आ गई, कह रही है चाचू पैर जल रहे हैं बहुत तेज, और हम क्या नंगे पैर चल रहे हैं। देखिए छतरी, छतरी कहाँ से ले गई, छतरी कहाँ से ले गई? अरे वाह पहले ही, मतलब तुम्हें पता था पहले ही? गाइस इनको पहले ही पता है कि यहाँ पे धूप पड़ रही है, पैदल चलना पड़ेगा, पहले ही छतरी की व्यवस्था करके लाई है। अब नहीं जल रहे, अब नहीं जल रहे, गर्म नहीं लग रही, ये कह रहे हैं वहाँ पे जाना है। गाइस चल रहे हैं रास्ते में, पहले जा रहे हैं हम प्राचीन कुंड, सॉरी पहले जा रहे हैं प्राचीन कुंड, फिर जाएंगे मंदिर में। ये गेट आ गया है, देखिए ये गेट है, ये गाइस प्राचीन कुंड, देखिए ये प्राचीन कुंड है, इसमें पानी है, इसमें छोटा सा पानी देख रहे हैं। प्राचीन कुंड भाई नीचे है वो, उसके अंदर आग भी धो सकते हैं, नहा भी सकते हैं। नहीं नहा नहीं सकते, नहाना अलाउ नहीं है वहाँ, नहाना अलाउ नहीं है, हाथ धो सकते हैं, मुंह धो सकते हैं, थोड़ा सा पानी ले सकते हैं, नहा नहीं सकते वहाँ।
देखिए ये पूरा मार्केट है, हम बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, माला वगैरह, खिलौने बच्चों के, बहुत सारी चीज़ें जो यहाँ मिलती हैं, प्रसाद भी यहाँ मिल रहा है। और गाइस एक बड़ा गेट आया है, देखते हैं ये कौन सा गेट, इसमें जाना है, सीधा जाना है, इसमें ही जाना है, अंदर ही जाना है। और ये एक दूसरा कुंड है, मेन जो कुंड है वो ये है, देखिए देखिए किस तरह से लोग नहा रहे हैं यहाँ पर, मेन कुंड जो है ये है। गाइस देखिए थोड़ा सा रुके हैं, भीड़ में परेशान हो गए, जाके इसको रिलैक्स आया, ये भीड़ बहुत परेशान हो गए। देखो बिस्किट खाए, इसके लिए बिस्किट लिए, तब से भीड़ में परेशान हो गए, धूप में गुपचुप खाए, गुपचुप कभी जाकर नहीं। बोलो बेटा गुपचुप क्या खा रहे हो आप? बिस्कुट खा रहे हो। हमारे मानसरी अक्षय ये भी नहा लिया है, और ये हमारा भूमि देख रहा है, ये देखो ये भूमि देख रहा है, वहाँ इतनी सारी भीड़ है, इतनी सारी भीड़ है कि सिर सोची ना होगी, दिखाता हूँ। और इधर फोटो शूट चल रहा है, आपको कैसे लग रहा है? हाँ गाइस फोटो वोटो खिंचवा रहे हैं भाई साहब, फोटो खींच रहे हैं। गाइस चल दिए हैं फिर से श्याम कुंड देखने के बाद, अब अगेन बाबा खाटू श्याम के रास्ते में चल दिए हैं दोबारा। अब हम यहाँ कुछ खाने को देख रहे हैं, फर्स्ट प्रायोरिट रहेगी हमारी कड़ी कचौरी, क्योंकि अलवर वालों को चाहिए सिर्फ कड़ी कचौरी, और वो यहाँ मिल नहीं रही है, ट्राई कर रहे हैं, पूछ रहे हैं, बट मिल नहीं रही है। और गाइस देखिए गुलाब ले लिया है बाबा श्याम के लिए, चढ़ाएंगे इसको, कहते हैं बाबा श्याम गुलाब चढ़ाते हैं। गाइस देखिए बहुत भीड़ है, बहुत देर से लाइन में खड़े हैं, क्योंकि लंबी लाइन है इसलिए लाइन में खड़ा तो रहना पड़ेगा ही, भाई परेशान हो रहा है भीड़ में खड़े इसलिए। भाई कैसे परेशान है यार, लाइन ना सरक रही यार, कहाँ करो लाइन सरकवा है, आपको दे दो फोन करो लगाऊंगा के पास है फोन पुजारी का पुजारी कर दो नंबर। भाई बता रहा भाई के जैक जुगाड़ है वहाँ पे पुजारी के साथ, अभी फोन कर रहा है तो लाइन चलेगी आगे, फिर अभी जल्दी चलेगी। किसका नंबर है? अच्छा और पीछे वाला बहुत कसा क्योंकि लाइन चल गई है, भूख मार रहे हवा ले रहे पंखा देख रहे हैं, पंखा बहुत बड़ा पंखा, ये बहुत तेज हवा चलता है, ऐसा ही पंखा जयपुर जंक्शन पे लगा हुआ ऊपर, अभी तक दूसरा पंखा देखा मैंने इतना बड़ा, एक यहाँ और एक जयपुर जंक्शन पे। पहुँच गए मंदिर के पास बहुत नज़दीक, सामने गेट देख रहे हैं, मंदिर देख लिया, देख लिया, देखा था, हाँ देखा था, मंदिर देख लिया बेटा, देख लिया, बहुत अच्छा था, अच्छा था, अच्छा था ना बेटा, सही ठीक तरह से मंदिर देखने तो नहीं दिया उन्होंने मुझे, क्योंकि फर्स्ट टाइम गया था तो पता नहीं था किधर के साइड देखना कहाँ नहीं देखना, इसकी वजह से सही से देख नहीं पाया मैं तो, देख दोनों साइड रहा था बाकी देख नहीं दिया नहीं ढंग से, कोई ना, खैर नेक्स्ट टाइम आएंगे तो पता लग गया है, थोड़े से देखते हैं पुलिस वाले नहीं करते हैं, चलो भाई चलो इसलिए देखने नहीं ठीक तरीके से। गाइस अब वापस जा रहे हैं मंदिर में हो गए आने के बाद, अब वापस हम जा रहे हैं अपनी बस की ओर, और धूप में बहुत बुरा हाल हो रहा है क्योंकि चप्पल पहन के नहीं गए तो रोड बहुत गर्म है तो इसलिए थोड़ा सा पैरों में बहुत सारी दिक्कत हो रही है। रुके हैं खाना खाने के लिए, एक ढाबा पड़ता है रास्ते में, सभी वहीं बैठे हैं, देखिए भाभी बैठी है, अब यहाँ हम खाना खाएंगे और देन उसके बाद फिर घर के लिए निकलेंगे। फाइनली गाइस घर पहुँच गए हैं, बहुत ही लंबा सफर तय करने के बाद थक चुके हैं पूरी तरह, अब तो बस ये है कि घर पहुँच जाए जल्दी से, सभी थक चुके हैं, बाहर देख रहे हैं अंधेरा, सब अंधेरा।